हेलो स्टूडेंट आप सबका अन एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है क्रैक यूपीएससी सी एस सी जी एस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ये इंडिया की सबसे बड़ी लर्निंग प्लेटफॉर्म है यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर कोर्सेस लाइव टेस्ट इंड क्विज तथा अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी हमेशा लाइव टेस्ट इंड क्विज अनलिमिटेड अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी आपको लेकिन ये सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अन के ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे मैं अपनी बात करूं मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और पिछले 20 वर्षों से मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ मेरे पढ़ाई में लगभग 100 से अधिक बच्चों का आई में सिलेक्शन हो चुका है मैं आपको पॉलिटी इकोनॉमिक्स गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी सोशल जस्टिस पढ़ाऊँगा आपको प्रजेंट टाइम में मैं निश्चय आई ए एस का डायरेक्टर हूँ यदि आप अन अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको मुराल पटेल रोमन सैनी दीपांशु प्रकाश कुमार आयुष संघवी आशीष मलिक जैसे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा ये लोग इंडिया के बेहतरीन टीचर हैं इस पर बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें पॉलिटी गवर्नेंस आई आर हिस्ट्री इन्वायरमेंट इकोलॉजी इंडियन इकोनॉमी करेंट अफेयर्स ये बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं इस पर इस पर जीएस के दो तरह के कोर्स हैं एक प्लस दूसरा आइकॉनिक प्लस की फीस जो भी हो पर यदि आप निश्चित रेफरल कोड का को उपयोग करते हैं तो आपको यहाँ दस प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा यदि हम आइकॉनिक की बात करें आइकॉनिक की फीस प्लस से ज्यादा है रीजन यही है आइकॉनिक में पर्सनल कोच डेली मेन से आंसर प्रैक्टिस स्टडी प्लानर की सुविधा मिलती है ये फायदा है फीस जो भी हो यदि आप निश्चय के रेफरल कोड को उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10 प्रतिशत क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा आप देखो आप इस पर ऑप्शनल कोर्स, कोर्स पर की सुविधा उपलब्ध है ऑप्शनल कोर्स की सुविधा पर यदि आप निश्चय के रेफरल कोड का को उपयोग करते हैं यहां भी आपको 10 प्रतिशत क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा अब हम बात करते हैं सीधे टॉपिक पर आते हैं हम लोग एक ध्यान देने इस बात को एक है सहकारी बैंक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे बैंक के विविध रूप क्या होते हैं जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक पब्लिक बैंक यूनिवर्सल बैंक की बात हो चुकी थी अब हम बात करेंगे सहकारी बैंक कॉपरेटिव हम बैंक की बात करें कॉपरेटिव बैंक बैंक हम कॉपरेटिव बैंक की बात करें हम सहकारी बैंक की बात करें सहकारी बैंक की यदि बात किया जाए तो होता है सहकारी बैंक इसका जो अधिनियम है राज्य सहकारी कानून के तहत पंजीकृत होते हैं ये जो स्त्री होते हैं हमेशा ध्यान इस बात को ये त्रिस्त्री होते हैं पहली चीज इनका जो एक पंजीकरण है राज्य सहकारी कानून के तहत ये जो रजिस्टर्ड होते हैं राज्य सरकारी कानून के तहत पंजीकृत होते हैं हमेशा ध्यान दो इस बात को लेकिन एक प्रश्न उठा ये त्रिस्त्री होते हैं पहली बात प्राथमिक साख समितियां दूसरी चीज केंद्रीय सहकारी समिति हमेशा या जिला सहकारी हम समिति की बात करें केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक की बात करें हम लोग बात हमें सद्धांत इस बात को तीसरी चीज ऊपर चले जाओ राज्य सहकारी बैंक हमेशा ये त्रिस्तरीय होते हैं पहली चीज प्राथमिक साफ समितियां ये ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं ये जो है ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं ये जो है जिला स्तर पर काम करती हैं और ये जो है राज्य स्तर पर काम करती हैं हमेशा जानते इस बात को प्राथमिक साख समितियां होती हैं केंद्रीय जिला सहकारी बैंक होता है और राज्य सहकारी बैंक होता है हमेशा ध्यान इस बात को ये प्राथमिक जो साख समितियां होती हैं ये ग्रामीण स्तर पर काम करती हैं केंद्रीय जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करती है राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर काम करता है ये त्रिस्तरीय और एक बड़ी खासियत यह है कि जो जिला सहकारी बैंक है जिस जिले में गठित है केवल उस जिले में काम करेगा हर जिले की एक भौगोलिक सीमा होती है ये प्रत्येक जिला सहकारी बैंक अपने भौगोलिक सीमा के अंदर काम करेगा जो राज्य सहकारी बैंक है अपने राज्य की भौगोलिक सीमा में काम करेगा जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए मान लिया जाए एक ये कोई जिला है एक ये कोई जिला है ए नामक जिला सहकारी बैंक है बी नामक जिला सहकारी बैंक है तो बी नामक जो जिला सहकारी बैंक है केवल अपने भौगोलिक सीमा में काम करेगा ए नामक जो जिला सहकारी बैंक है अपने केवल भौगोलिक सीमा में काम करेगा ए कभी भी इस जिले में काम नहीं करेगा और बी कभी भी इस जिले में काम नहीं करेगा अर्थात जितने भी केंद्रीय जिला दिलाशा सहकारी बैंक है नामक केंद्रीय सहकारी बैंक याद रखना ये काम करता किस स्तर पे जिला स्तर तो जितने भी ये सहकारी बैंक है ये सब के सब अपने जिला या अपने राज्य की भौगोलिक सीमा में काम करते हैं एक बात हमें कार्य करने का स्तर देखो आप ये त्रिस्तरीय होते हैं प्राथमिक साख समिति केंद्रीय जिला सहकारी बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये राज्य स्तर पर काम करती हैं ये हम ये बात करें आप देखो आप इनका जो है राज्य सरकारी कानून के तहत ये पंजीकृत होते हैं लेकिन बैंकिंग अधिनियम उन्नीस से संचालित होते हैं किंतु अधिनियम 1949 से हमेशा ध्यान बात को ये जितनी भी कॉपरेटिव बैंक हैं ये सारे कॉपरेटिव बैंक राज्य सहकारी कानून के तहत रजिस्टर्ड होते हैं इनकी रजिस्ट्री होती है राज्य सहकारी कानून के तहत किंतु बैंकिंग अधिनियम 1949 से उन्नीस से ये संचालित होते हैं एक बड़ी खासियत यह है हमेशा ध्यान दो इस बात को दूसरी चीज बात करें हम लोग ये जितनी भी सहकारी बैंक है इसमें कुछ ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं कुछ शहरी स्तर पर काम करती है हमेशा ध्यान दो इस बात को ये जो सहकारी बैंक है इनकी खासियत क्या है हम इनकी खासियत की बात करें देखो आप ये कहा जाता है कि प्राथमिक साख समितियां ये साख समिति जो ग्रामीण स्तर पर काम करती है इसके जो ऊपर है मान लिया जाए इसके जो ऊपर है जिला सहकारी बैंक इसके जो ऊपर है राज्य सहकारी बैंक हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को इसके ऊपर आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको उधार देती है उधार देती है आप सोचो इनको उधार ये देती है और इनको उधार ये देती है इसका मतलब ये है कि प्राथमिक साख समितियों को उधार मिलता है जिला सहकारी बैंक से और जिला सहकारी बैंक को उधार मिलता है राज्य सहकारी बैंक से और स्टेट जो कॉपरेटिव बैंक है उनको उधार मिलता है आरबीआई से अर्थात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई सुधार लेते हैं जिला सहकारी बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सुधार लेते हैं और प्राथमिक जो साख समितियां हैं यह डिस्ट्रिक्ट बैंक सुधार लेती है इस बात को प्राथमिक साख समिति जिला सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक की बात करें हम लोग इतनी सारी बातें देखो आप प्राथमिक साख समिति जिला सहकारी बैंक राज्य सहकारी हम बैंक की बात करें एक बात हमेशा ध्यान दी इस बात को इसका मतलब यह है कि प्राथमिक साख समितियों को डायरेक्ट आरबीआई सुधार नहीं मिलता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उन्हें डायरेक्ट उधार नहीं मिलता है ये जब भी उधार लेंगे, ये जिला सहकारी बैंक सुधार लेंगे, ये राज्य सहकारी बैंक से उधार लेंगे और राज्य सहकारी बैंक आरबीआई उधार लेगा यह त्रिस्तरीय होती है लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉपरेटिव बैंक हैं जो कि उस सारी क्षेत्रों में काम करते हैं हम जिसको कहते हैं अर्बन कॉपरेटिव बैंक कहते हैं इसे जो अर्बन कॉपरेटिव बैंक है हमेशा ध्यान दो इसे सारी सहकारी बैंक कहा जाता है ये दूसरे जिले में भी काम कर सकती हैं। हमेशा ये तो समांतर जो जिला सहकारी बैंक है एक जिले में काम करेगा लेकिन ये जो अर्बन है अर्बन कॉपरेटिव हम बैंक की बात करें हमेशा शहरी सहकारी बैंक हमेशा ध्यान दो अर्बन कोपरेटिव बैंक की बात करें हम बात करें शहरी हम सहकारी बैंक की बात करें ये जो शहरी सहकारी बैंक है हमेशा या दूसरे जिले में भी काम कर सकती हैं हमें इस बात को ये जो अर्बन कॉपरेटिव बैंक है तीन बात याद रखना है कि जितने भी कॉपरेटिव बैंक है ये रजिस्टर्ड होते हैं राज्य सहकारी कानून के तहत लेकिन संचालित होते हैं उन्नीस के बैंकिंग अधिनियम के तहत इन सब पर नियंत्रण आरबीआई का होता है अब देखो आप ये त्रिस्तरीय होते हैं प्राथमिक साख समिति जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक मैंने क्या कहा प्राथमिक साख समितियों को डायरेक्ट आरबीआई सुधार नहीं मिलता आरबीआई उधार देती है राज्य सहकारी को राज्य सहकारी बैंक उधार देते हैं जिला सहकारी बैंकों उधार देती है, है प्राथमिक साख समितियों को अब देखो आप उसके साथ साथ अर्बन कोपरेटिव बैंक होता है अर्बन जो कॉपरेटिव बैंक है हम सारे सहकारी बैंक कहते हैं यह दूसरे जिले में भी काम कर सकती हैं ये इनकी खासियत है अर्बन कोटिव हम बैंक की बात करें हमेशा इस बात को लेकिन फिर एक प्रश्न उठा देखो आप कि जितने भी कॉपरेटिव बैंक हैं उनका पंजीकरण प्रबंधन एकीकरण नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन होती है हमेशा यह कहा जाए कि जो सहकारी बैंक हैं हम कॉपोरेट बैंक की बात करें इनका जो प्रबंधन है पंजीकरण नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा हमेशा ध्यान दो इनका जो मैनेजमेंट है रजिस्ट्रेशन है नियुक्ति है राज्य सरकार के अधीन होता है हमेशा यह कहा जाए यह विशेष रूप से राज्य सरकार के अधीन अधीन होता है लेकिन बैंकिंग से जुड़े मुद्दों को आरबीआई निर्धारित करती है देखो आप ये आपके कॉपरेटिव बैंक की बात कर रहे हम लोग इनको ध्यान से समझो इस बात को जितने भी कॉपरेटिव बैंक होते हैं इन कॉपरेटिव बैंक का रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट नियुक्ति राज्य सरकार का अधीन है किंतु बैंकिंग से जुड़े मुद्दों को आरबीआई निर्धारित करती है डिसाइड करती है आरबीआई अब सोचो जब नियंत्रण की बात करते हैं कुछ ऐसे बैंक हैं जिस पर नियंत्रण दोहरा नियंत्रण है और कुछ ऐसे बैंक है जिस पर तीन संस्थाओं का नियंत्रण है जैसे मैंने ये कहा यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें इस पर दोहरा नियंत्रण है एक तो आरबीआई का पर राज्य सरकार के सहकारी कानून का दोहरा नियंत्रण किसका है आरबीआई प्लस राज्य सहकारी हम कानून की बात करें अर्बन जो कॉपरेटिव बैंक है अर्बन कॉपरेटिव बैंक दोहरा नियंत्रण आरबीआई प्लस राज्य सहकारी कानून का होता है हमेशा था लेकिन जिला सहकारी बैंक प्लस राज्य हम बैंक की बात करें इस पर जो नियंत्रण होता है नाबार्ड का होता है आरबीआई और राज्य सहकारी बैंक जो नियंत्रण होता है आरबीआई प्लस राज नाबार्ड प्लस राज्य सहकारी कानून हमेशा इस बात को अब एक चीज देखो आप मैंने क्या कहा अर्बन बैंक दोहरा नियंत्रण आरबीआई प्लस राज्य सहकारी कानून का होता है लेकिन जिला जो सहकारी बैंक है डिस्ट्रिक्ट बैंक और स्टेट कॉपरेटिव बैंक पर नियंत्रण जो है आरबीआई का प्लस नाबार्ड का प्लस राज्य सहकारी कानून का होता है ये देखो आप हम पुनः लौटते हैं एक बार पीछे ये कहा था कॉपरेटिव बैंक की बात देखो आप त्रिस्त्री होते हैं इन पर जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होता है राज्य सरकारी कानून के तहत किंतु बैंकिंग अधिनियम 1949 से ये संचालित होते हैं हमेशा स्टेट कॉपरेटिव कानून के तहत रजिस्टर्ड होते हैं किंतु बैंकिंग अधिनियम 1949 से संचालित होते हैं कोपरेटिव बैंक की बात करें अब सोचो प्राथमिक साख समितियां ग्रामीण स्तर पर काम ये त्रिस्तरीय होती हैं दूसरी चीज देखो आप उधार लेती है ये, इस बात को। उधार लेती है तो राज्य सहकारी बैंक आरबीआई सुधार लेगी ये देगी जिला सहकारी बैंक को ये देगी प्राथमिक साख समितियों को ये त्रिस्तरीय होते हैं और एक जिले का जो कॉपरेटिव बैंक है केवल अपने जिले में काम करेगा वो दूसरे जिले में कभी भी काम नहीं करेगा लेकिन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है शहरी सहकारी बैंक या दूसरे जिले में भी काम कर सकती हैं। हमेशा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शहरी सहकारी बैंक की बात करें यह दूसरे जिले में भी काम कर सकती हैं। एक खासियत यह है इसकी अब ध्यान से सुनो इस बात को फिर मैंने क्या कहा यह जो कॉपरेटिव बैंक है इनका प्रबंधन पंजीकरण नियुक्ति राज्य सरकार का अधीन है किंतु बैंकिंग से जुड़े मुद्दे को आरबीआई निर्धारित करती है यूसीबी अर, अर्बन दोहरा नियंत्रण आरबीआई प्लस राज्य सहकारी कानून का होता है हमेशा मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई के साथ राज्य सहकारी बैंक का भी नियंत्रण होता है किंतु ये जो जिला सहकारी बैंक है ये राज्य को बैंक है इस पर नियंत्रण होता है आरबीआई का प्लस नाबार्ड का प्लस राज्य सहकारी कानून का नियंत्रण होता है तीन संस्थाओं का नियंत्रण होता है एक बात बात हमेशा ध्यान दो इस को फिर एक प्रश्न उठा कि कोपरेटिव बैंक और व्यवसायिक बैंक में बेसिक डिफरेंट क्या है हमेशा ध्यान दो इस बात को सहकारी बैंक और व्यवसायिक बैंक में अंतर क्या है एवं हम अंतर की बात करें कॉपरेटिव बैंक और कॉमर्शियल बैंक में बेसिक डिफरेंट क्या होता है हम जब डिफरेंट की बात करते हैं तो ध्यान देने इस बात को यदि हम बेसिक डिफरेंट की बात करें तो मान लिया जाए ये सहकारी बैंक है हमेशा ये आपके सहकारी बैंक है और यह आपका व्यवसायिक बैंक है दोनों में बेसिक डिफरेंट देखो आप डिफरेंट क्या है नंबर वन पारा अंतर क्या है देखो आप जो सहकारी बैंक है राज्य सहकारी अधिनियम के तहत गठित सहकारी का जो गठन है राज्य सहकारी अधिनियम के तहत हमेशा ध्यान दिए इस बात को मतलब राज्य सहकारी जो अधिनियम है स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है उसके तहत इनका गठन होता है लेकिन जो कॉमर्शियल बैंक है इनका गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा हुआ गठन है संसदीय ये बात हमेशा ध्यान दी इस बात को मेरे को पहली बात मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं इसका जो गठन है संसदीय अधिनियम के तहत हुआ जो सहकारी बैंक है इनका जो गठन है राज्य सहकारी अधिनियम के तहत होता है हमेशा दूसरी चीज ये अपने भौगोलिक क्षेत्र में, में ही काम करती है हमेशा यह अपने भौगोलिक क्षेत्र में ही काम करती हैं फॉर एग्जाम्पल राज्य का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है और केवल उसी भौगोलिक क्षेत्र में काम कर सकती हैं यह दूसरी राज्य में काम नहीं कर सकती फॉर एग्जाम्पल यदि यूपी का कोई कॉपरेटिव बैंक है तो केवल यूपी में काम करेगा वह एमपी में, का तो में, में काम नहीं करेगा या गुजरात का कोई यदि कोऑपरेटिव बैंक है तो वह केवल और केवल गुजरात में काम करेगा महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा यह क्या है या कहीं भी कार्य कर सकती हैं भी कार्य कर सकती हैं विदेशों में भी एक बात हमेशा ध्यान बात को मैंने क्या कहा जो कमर्शियल बैंक है सहकारी बैंक ये अपने भौगोलिक क्षेत्र में ही काम करती हैं पर कमर्शियल बैंक कहीं भी कार्य कर सकती हैं यहां तक कि यह विदेशों में भी कार्य कर सकती हैं हमेशा ध्यान फॉर एग्जांपल एसबीआई बी कमर्शियल बैंक है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक कमर्शियल बैंक है यह अमेरिका यूरोप चाइना दुनिया के किसी देश में काम कर सकता है पर जो कॉपरेटिव बैंक है अपने केवल भौगोलिक क्षेत्र में ही काम करेगी तीसरी चीज या त्रिस्त्री होती हैं और यह जो है एक स्त्री होती है हमेशा ध्यान दो, दोनों में अंतर देखो ये जो कॉपरेटिव बैंक है ये त्रिस्त्री होती है जो कमर्शियल बैंक है ये एक स्त्री होती है ये जो कॉपरेटिव बैंक है इन्हें बैंक दर से कम दर उधार मिलता है इन्हें बैंक दर से कम दर पर और इन्हें जो है उधार मिलता है देखो आप ये जो कॉपरेटिव बैंक है इन्हें जब ही आरबीआई सुधार मिलेगा बैंक रेट से कम दर पर मिलेगा और इन्हें क्या होगा बैंक दर पर मिलेगा अगला हाँ देखो इनका जो लक्ष्य है समाज कल्याण है लक्ष्य समाज कल्याण है इनका जो लक्ष्य है लाभ कमाना है हमेशा ध्यान दोनों में बेसिक डिफरेंट देखो आप एक कॉपरेटिव बैंक है एक कॉमर्शियल बैंक है मैंने क्या कहा इनका जो लक्ष्य है समाज कल्याण है इनका जो लक्ष्य है लाभ कमाना है दोनों में एक बेसिक डिफरेंट है ये इस प्रकार देखो आप बैंक के बारे में इतने सारे फैक्ट त्रिस्त्री होती हैं हमेशा नियंत्रण किसका होता है ये बात हमेशा ध्यान दो और दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है यूपीएससी दोनों में अंतर पूछ चुका है सहकारी बैंक और कॉपरेट बैंक में बेसिक डिफरेंट क्या है यहां से यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है अब हम बात करते हैं बैंक उधार देता है जब बैंक उधार देता है तो हमेशा ध्यान दो तीन बातों का हमेशा ध्यान देता है सिक्योरिटी तरलता और लाभ देता हम ये कहें बैंक द्वारा बैंक द्वारा उधारियां यदि उधारियों की बात करेंगे तो बैंक उधार देते से तीन बातों को ध्यान देता है एक तो सुरक्षा दूसरा है तरलता और तीसरा है लाभ देता ये तीन चीज होती हैं। सुरक्षा का मतलब होता है सिक्योरिटी तरलता का मतलब लिक्विडिटी लाभ देता का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अब देखो बैंक उधार देता है ना बैंक द्वारा दी जाने जनजोधारियां हैं सिक्योरिटी सुरक्षा लिक्विडिटी तरलता प्रॉफिटेबिलिटी लाभ देता ये तीन बातें अक्सर देखता बैंक हमेशा एक तो सिक्योरिटी दिखता है दूसरा तरलता लिक्विडिटी दिखता है और तीसरा लाभ देता प्रॉफिटेबिलिटी दिखता हुआ तीन बातों को लेकिन जब बैंक उधार देता है हमेशा तो बैंक द्वारा दी जाने उधारियों का क्षेत्र क्या होता है ये तीन चीजें सुरक्षा तरलता और लाभ देता की बात करें हम लोग सिक्योरिटी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें हम लोग हमेशा ध्यान इस बात को जब बैंक उधार देता है तो बैंक द्वारा दी जाने वाली उधारियों का क्षेत्र क्या है बैंक द्वारा दी जाने वाली हम उदाहरणों के क्षेत्र की बात करें तो दो तरह की बात होती है एक सामान्य क्षेत्र और दूसरा होता है प्राथमिक क्षेत्र मतलब एक सामान्य एरिया में उधार देती हैं और दूसरा प्राथमिक क्षेत्र उधार देती हैं। उधारियों के क्षेत्र एक सामान्य क्षेत्र और दूसरा आपका प्राथमिक क्षेत्र हमेशा ध्यान दी बात को बैंक जब भी उधार देता है तो दो की बात करें एक न सामान्य क्षेत्र होता है और दूसरा प्राथमिक क्षेत्र होता है हमेशा जो सामान्य क्षेत्र होता है इस क्षेत्र में उधार देना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है बैंक के हमेशा ध्यान इस बात को हम सामान्य क्षेत्र की बात करें इस क्षेत्र में उधार देना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है यह कॉमन प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है यह ऐच्छिक है वॉलेंट्री है दे भी सकती है नहीं भी दे सकती हैं लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र है उधार देना अनिवार्य है क्षेत्र में उधार देना हमेशा ध्यान दो ये प्राइमरी क्षेत्र देखो जरा इसमें प्राथमिक क्षेत्र के विषय कौन कौन से हैं कृषि कमजोर वर्ग लघु उद्योग निर्यात हमेशा ये प्राथमिक क्षेत्र के विषय की बात करें या क्षेत्र की बात करें क्षेत्र पहली चीज कृषि कमजोर वर्ग लघु उद्योग मध्यम उद्योग निर्यात अब देखो आप पहली चीज हम दूसरी चीज बात करें आवास सेल्फ हेल्प ग्रुप और शिक्षा आवाज मतलब इसी उधार देना ही देना है अंत में अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तिरसी प्रसंस्करण की बात करें हम लोग सॉफ्टवेयर क्षेत्र है और अक्षय ऊर्जा और सॉफ्टवेयर उद्योग हमेशा ध्यान इस बात को देखो आप बैंक द्वारा दी जाने वाली उधारियों का क्षेत्र क्या है एक है समान क्षेत्र जब हम समान क्षेत्र की बात करते इस क्षेत्र में उधार देना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है यह यह है ये है हमेशा ध्यान बात को इस क्षेत्र में उधार देना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है या इच्छिक है जो प्राथमिक क्षेत्र है इस क्षेत्र में उधार देना अनिवार्य है बेसिव क्षेत्र क्या है मतलब इससे बैंक नहीं बच सकता उसे उधार देना ही देना है विषय क्या है विषय आपका कृषि कमजोर वर्ग लघु उद्योग मध्यम उद्योग और निर्यात कई बार यूपीएससी ये पूछ देता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं आवास सेल्फ हेल्प ग्रुप और एजुकेशन की बात करें हम लोग अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें ये जो कृषि प्रसंस्करण है अच्छी ऊर्जा है और सॉफ्टवेयर उद्योग है ये क्षेत्र है जहां बैंक को उधार देना ही देना है उसे बच नहीं सकते ये हमेशा जान दो ये बैंक द्वारा दी जाने वाली उधारियों का क्षेत्र है जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे बात यह करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की सीमा क्या है हम उसकी बात करेंगे अब ध्यान देने इस बात को हमने दो बातें की बैंक जब उधार देता तो तीन बातों को ध्यान रखता है एक सुरक्षा दूसरा तरलता और तीसरा लाभ देता लेकिन जब उधारियों का जो क्षेत्र है एक कामन एरिया है दूसरा प्रायोरिटी एरिया है कॉमन एरिया में ये है प्राथमिक क्षेत्र में ये ये अब हम बात करते हैं हमेशा याद तो इस बात को यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यदि आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं और निश्चय के रेफरल कोड का को उपयोग करते हैं तो आपको 10 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा थैंक यू